आज उन्होंने दिल्ली पुलिस को बिना बताए और उनको सुबह 5 बजे कुछ लोग गए, वो तो कहते हैं पुलिस के सब लोग हैं और हम उस एफआईआर के अंतर्गत वहां से लेकर के आए, उठा के लाए हैं। अच्छा ये होता है कि जैसा एक दस्तूर होता है कि उनको किसी भी व्यक्ति को वहां से अरेस्ट करना है तो दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए था और दिल्ली पुलिस को बता करके उनको अरेस्ट करें, कुछ करें, उनका अपना मामला केस करते हैं। सुबह 5 बजे उठा करके ले गए, तब उनके पिताजी ने वहां एक एफआईआर कराई कि मेरे बेटे का अपहरण हो गया है, किडनैप हो गया है और वो एक गाड़ी इस प्रकार की ये है, उसमें कुछ लोग आए, उठा करके ले गए और उन्होंने हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म किया कि हमें जो जानकारी मिली है कि पंजाब के कुछ लोग थे लेके गए। उसमें से हरियाणा पुलिस अलर्ट हुई और वो गाड़ियां जो थी उस नंबर की, एक गाड़ी नंबर की थी, बाकी 3-4 गाड़ियां और थी, उनको कुरुक्षेत्र में पिपली के पास उन्होंने उसको रोक लिया, पकड़ लिया है। अब चूंकि ये केस एफआईआर हमारे पास दिल्ली की इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो पंजाब की पुलिस है, पंजाब में पकड़ा गया, किया उस गाड़ी को रोक करके, और चूंकि दिल्ली की इन्फॉर्मेशन है तो हमारा काम ये था कि दिल्ली पुलिस को हम हैंड ओवर करेंगे, चाहे वो यहाँ के ले जाए और चाहे यहाँ से हम दिल्ली पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारी ड्यूटी बनती है। इस बीच में उन्होंने अपनी आईडेंटिटी बताई कि हम पंजाब पुलिस के लोग हैं, हम उनको लेकर के जा रहे हैं। तो हमारा काम यही था कि हमें चूंकि इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर किया है, आप या तो दिल्ली पुलिस से ले लें या वहां से दोबारा जाकर के अरेस्ट करें, लेकिन दिल्ली की पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए वो जरूरी था। हमारा काम हमने किया। इसके बाद आगे के घटनाक्रम में उन्होंने पंजाब पुलिस ने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनका काम है।